हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु। मेरा नाम है शिवम। तो गाइस, आज मैं हमारे पास है सैमसंग का J2। फ्रेंड्स, इसमें जो प्रॉब्लम है, इसका जो कॉम्बो है, टच होल्डर, ये टूटा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे सिंपल तरीके से कैसे चेंज करना है गाइस। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या, ये होल्डर जो है इसमें अलग कर लेना है आपको। फ्रेंड्स, आराम से अलग करना है, इसमें हाथ में भी लग सकते हैं। तो गाइस, हमें अच्छी तरह से साफ कर लेना है कि गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने साफ कर लिया। और गाइस, आपको ध्यान रखना है कि ये जो जाली है, ये ध्यान से निकाल लेनी है इसमें से, और हमें फ़ोन में सेट करनी है इसे। फ़ोन में सेट करने के लिए फ्रेंड, सबसे पहले इसे साफ़ करेंगे, अच्छी तरह से साफ़ करना है। अगर साफ़ नहीं करेंगे फ्रेंड, तो आवाज़ इसमें कम आएगी और कस्टमर आपको शिकायत करेगा। तो गाइस, इसे सेट करने के लिए हल्का सा ग्लू लगा सकते हैं आप। हल्का सा ग्लू लगाना है, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले हमें जो होम की है, इसकी होम की को यहाँ पे होम बीच में सेट कर लेना है, ताकि ये इधर उधर लूज ना हो। इसे सेट करने के बाद फ्रेंड्स, हमें इसकी जो पीछे की पन्नी है फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे पेस्टिंग करनी है आपको। ग्लू है जो चारों कोनों पे लगा लेना है, अच्छी तरह से चारों तरफ अच्छी तरह से लगा लेना फ्रेंड्स, ताकि ये पोल्डर दोबारा से बाहर ना आए। तरह से पेस्टिंग करनी है आपको, ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, तो हमें सब अब इसमें क्या करना है, इसमें से जो नीचे की आपको दिख रही है ये पन्नी, नीली सी ये पन्नी निकाल देनी है। आज आपको एक चीज भी हटा लेनी है यहाँ पे, आप इसे ध्यान दें आराम से, मूर्ति को सेट करना है आप ध्यान से। मूर्ति को ध्यान से सेट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि मूर्ति इधर उधर हो जाती है, तो फोल्डर हम ध्यान नहीं देते और फोल्डर टूट जाता है। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको होम की पे ज़्यादा ध्यान रखना है और फ्रेंड फोल्डर को अच्छी तरह से सेट कर देना है, प्रॉपर तरीके से सेट करना है फ्रेंड्स, ताकि फोल्डर इधर उधर ना भागे।
फेस अच्छी तरह से सेट करना है ना। अच्छी तरह सेट करने के बाद आपको कुछ रबड़ वगैरह ले, इस तरह की रबड़ लेके इस पर चारों तरफ बांध देनी है अच्छी तरह से, टाइट करके रख देना है थोड़ी देर के लिए। दो चार रबड़े आपको अच्छी तरह से बांध देनी है इस तरह से। तो गाइस आप जैसे कि इस तरह से रबड़ लगाओगे तो फोल्डर इधर उधर नहीं भागेगा फ्रेंड, अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। रबड़ लगा के फ्रेंड आधे घंटे के लिए रख देना, आपको आधे घंटे के बाद पेस्टिंग सूख जाएगी जो, फिर आपको रबड़ निकाल देनी है गाइस। तो फ्रेंड ये जो तरीका मैंने आपको बताया, आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फ्रेंड कोई भी हेल्प हुई हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक से जरूर करना यार। थैंक यू, और सब्सक्राइब किए बिना तो जाने मत यार। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पूरे एंड तक देखने के लिए। फ्रेंड्स अगर मुझे वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताना यार, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। और थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।